Hello gamers and welcome back to another Valorant video. A huge patch 1.07 is here और इसमें गेम में कई सारे changes किए गए हैं और इस वीडियो में मैं आपको Sage और Killjoy nerf से लेकर Viper breach और Vandal buff तक सारे changes detail में बताने वाला हूँ. So make sure you watch it till the end. Let's begin. Let's start with agent updates and first up is Sage. इस पैच में सेज को काफी नर्फ कर दिया है. हील इज रिड्यूस फ्रॉम 100 ओवर 5 सेकंड्स टू 60 ओवर 5 सेकंड्स एंड सेल्फ हील रिड्यूस फ्रॉम 100 ओवर 5 सेकंड्स टू 60 ओवर 10 सेकंड्स. मतलब अभी तक सेज अपने टीममेट्स को फुल 100 एचपी तक हील कर सकती थी मगर अब केवल 60 एचपी ही हील कर पाएगी. मतलब अगर अब किसी प्लेयर की एचपी 10 है तो सेज हील के बाद उसकी एचपी बस 70 तक ही पहुंचेगी और सेज सेल्फ हील भी बस अब 60 एचपी ही कर पाएगी और उसमें लगने वाला टाइम 10 सेकंड्स होगा जो टीममेट के हीलिंग टाइम से डबल है. मतलब अब सेज खुद को हील करके तुरंत रीपीक नहीं कर पाएगी. As for her slow orb, the size is reduced to 30%. मतलब सेज के स्लो ऑर्ब से कवर होने वाला एरिया अब 30% कम होगा. बैरियर ऑर्ब हैज आल्सो रिसीव्ड सम मेजर चेंजेस. कॉस्ट रिड्यूस फ्रॉम 400 टू 300. फोर्टिफाइंग बैरियर. वॉल फॉर्म्स एट 400 एचपी. आफ्टर अ 3 सेकंड डिले द वॉल बिकम्स फोर्टिफाइड टू 800 एचपी. मतलब अब वॉल की कॉस्ट 400 से 300 क्रेडिट्स कर दी गई है और अब सेज वॉल फॉर्म होने के बाद फर्स्ट 3 सेकंड्स में वो वीक रहेगी और उसकी एचपी बस 400 ही होगी. बट आफ्टर अ 3 सेकंड डिले वॉल 45 हो जाएगी और उसकी हेल्थ फुल 800 एचपी हो जाएगी. इफ ओनली ओपोनेंट्स डोंट डिस्ट्रॉय इट फर्स्ट. मतलब सेज वॉल फॉर्म होने के तुरंत बाद ओपोनेंट्स इजीली उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बट 3 सेकंड के बाद वॉल की स्ट्रेंथ फुल हो जाएगी. Considering all the changes, Sage को काफी nerf कर दिया है and we will most likely see a massive drop in Sage pick rate now. The next agent is Killjoy. Let's begin with Nano Swarm. Added a brief wind up before damage begins. DPS reduced from 60 to 40. Visual effects have been added to make it easier to spot the grenade on the ground. Stealth audio range has been increased slightly. मतलब अब नैनो स्वॉर्म ट्रिगर होने के बाद डैमेज डील करने से पहले थोड़ा टाइम लेगा ताकि प्लेयर्स उसके रेडियस से बाहर निकल पाएं और इसका पर सेकंड डैमेज भी अब बस 40 होगा जो पहले 60 था. इसमें नए विजुअल इफेक्ट्स भी ऐड किए गए हैं ताकि एनिमीज इसे डिटेक्ट कर पाएं और इसकी ऑडियो रेंज भी थोड़ी बढ़ा दी गई है. आई पर्सनली फील कि नैनो स्वॉर्म के ये नर्व्स बहुत जरूरी थे बिकॉज़ किलजॉय इज अ सेंटिनल बट नैनो स्वॉर्म से वो ऑलमोस्ट जूलिस जैसे एक्ट कर रही थी एंड दैट वाज रियली फ्रस्ट्रेटिंग. Next is Turret, and unlike Nano Swarm, it has actually been buffed, no longer revealed by Sova's recon bolt. More effectively shoots at an enemy's last known location. मतलब अब Turret Sova के dart से reveal नहीं होगा. और अगर Turret से tag होने के बाद कोई enemy cover में जाकर peek करता है, तो Turret उस angle को hold करेगा और instantly shoot करने लगेगा, almost like pre-firing. Next is Viper, and she has received some major buffs again. Toxic screen can now be placed during the buy phase of rounds through spawn barriers. Toxic screen now goes up faster along its full length once it starts to form. मतलब अब वाइपर buy phase में spawn barriers के through अपनी wall deploy कर पाएगी और on होने के बाद वो along its length जल्दी on होगी ताकि opponents को peek करने का time ना मिले. It is a great buff क्योंकि अब वाइपर round start होने के पहले ही दूसरी side पर wall deploy करके fake कर सकती है या दो अलग अलग sides को wall और smoke orb के through defend कर सकती है. Next is Decay. Decay on all smoke abilities no longer affect allies. This is also a big buff क्योंकि अब Viper की कोई भी smoke ability teammates को decay नहीं करेगी जो पहले एक problem थी specially with her ultimate. अब teammates भी Viper की ult के अंदर छुप पाएंगे and many new strategies can now be developed around it. Next agent is Breach. Let's start with Flashpoint. Off-screen flashes now match behavior of other flashes in the game and apply a minimum amount of flash more aggressively. Charges increased from 2 to 3. Reduced wind-up time from 0.6 seconds to 0.5 seconds. मतलब अब ब्रीच के ऑफ-स्क्रीन फ्लैशेस दूसरे कैरेक्टर्स के फ्लैश जितने इफेक्टिवली वर्क करेंगे. That's good, but the major buff is कि अब ब्रीच प्लेयर्स दो नहीं बल्कि तीन फ्लैश परचेज कर पाएंगे. Having three flashes is a very big advantage in my opinion. और इसका equip time भी reduce कर दिया गया है, जो अब 0.6 seconds की जगह 0.5 seconds ही होगा. Next is Rolling Thunder. Detonation delay between blasts decreased from 0.3 to 0.255. मतलब अब ब्रीच की अल्टीमेट में होने वाले ब्लास्ट जल्दी जल्दी होंगे. एंड लास्ट इज कंकशन. कंकशन नाउ डिस्कोप्स प्लेयर्स एंड प्रिवेंट्स रीस्कोपिंग. मतलब ब्रीच की एबिलिटीज से स्टन होने के बाद अब प्लेयर्स स्कोप इन नहीं कर पाएंगे. मतलब ये ऑप प्लेयर्स के अगेंस्ट एक बहुत अच्छा काउंटर होने वाला है.
Last agent is Sova. Updated the physics on Sova's cape so that it should wiggle outside his hitbox less frequently. Polish work on Sova's first player hands to bring them up to the fidelity bar of the rest of our agents. मतलब अब सोवा का केप हिटबॉक्स के बाहर नहीं जाएगा। प्रो लेवल पर कई बार ऐसा हुआ है कि सोवा को प्लेयर्स ने केप की वजह से स्पॉट कर लिया, जो अब नहीं होगा। और फर्स्ट पर्सन व्यू में सोवा के हैंड मॉडल को भी थोड़ा चेंज कर दिया गया है। That's it for the agent updates. Now let's take a look at weapon updates. Shotguns. अब शॉटगन्स के हेडशॉट से एम पंच बाकी गन से कम होगा और शॉटगन्स की टैगिंग वैल्यू भी चेंज कर दी गई है। 10 मीटर से दूर टैग होने पर 0.5 सेकंड्स के लिए बस 30% स्पीड कम होगी। इससे शॉटगन्स दूर के टारगेट्स को ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएंगी और ना ही उन्हें स्लो कर पाएंगी। नेक्स्ट इज शॉर्टी एंड जज नर्फ। शॉर्टी की डैमेज फॉल ऑफ रेंज कम करके 7 मीटर कर दी है, जो पहले 9 मीटर थी। और हेडशॉट डैमेज मल्टीप्लायर भी 3 टाइम्स से 2 टाइम्स कर दिया गया है, सेम एज जज एंड बकी। मतलब अब शॉर्टी से किल लेने के लिए टारगेट से और पास रहना पड़ेगा। जज, अब आपको जज बाय करने के लिए 1500 नहीं बल्कि 1600 क्रेडिट स्पेंड करने पड़ेंगे, सेम एज स्पेक्टर। नेक्स्ट इज द वैंडल बफ। वैंडल का फायरिंग रेट इंक्रीज करके 9.75 कर दिया गया है, जो पहले 9.25 था, और डैमेज भी 39 से 40 कर दिया गया है। दिस बफ वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड द रीजन इज कि प्रो लेवल पर सभी प्लेयर्स फैंटम को प्रेफर कर रहे थे, बट विद दीज बफ शायद अब वैंडल गेम में थोड़ा ज्यादा दिखाई देगी। दैट्स इट फॉर दी वेपन अपडेट्स। नेक्स्ट इज हिट इम्पैक्ट वीएफएक्स अपडेट। रॉन्ग हेडशॉट रजिस्ट्रेशन कंट्रोवर्सी के बाद फाइनली रायट ने इसे सॉल्व करने की कोशिश की है। अकॉर्डिंग टू रायट, गेम में हिट रजिस्ट्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि क्लाइंट और सर्वर के सिंक में बग होने से प्लेयर्स को स्क्रीन पर ऐसा दिखाई देता है कि उन्होंने हेडशॉट कनेक्ट किया है, बट इन रियलिटी वो बॉडी शॉट होता है। नाउ विद दिस अपडेट हिट इम्पैक्ट कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट इज कम्पेटिटिव चेंजेस। रीमेक मैच। अगर कोई मैच 4v5 या 3v5 चालू होता है, जैसे टीम में कोई प्लेयर क्विट कर दे, तो आप मैच रीमेक कर सकते हैं। मैच स्टार्ट होने के तुरंत बाद बाय फेस में आपको चैट में /remake लिखना होगा। इसके बाद टीममेट्स को एक वोट जाएगा, अगर ये वोट पास होता है तो मैच फिनिश हो जाएगा और आपकी कोई रेटिंग डिक्रीज नहीं होगी। लेकिन अगर फर्स्ट बाय फेस में आपने रीमेच वोटिंग नहीं की तो वोट एक्सपायर हो जाएगा और आपको पूरा मैच खेलना पड़ेगा। लास्ट इज इनकॉग्निटो मोड। ये एक नया ऑप्शन वैलोरेंट में इंट्रोड्यूस होने वाला है, जिससे आप अपना नेम या आइडेंटिटी हाइड कर सकते हैं। आपके ओपोनेंट से आपके अननोन टीममेट्स को आपके नाम की जगह बस कैरेक्टर नेम डिस्प्ले होगा, टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी। सो दैट्स इट फॉर पैच 1.07। आपको इस पैच के चेंजेस कैसे लगे, कमेंट एंड डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वैलोरेंट वीडियोस। पीस आउट।